Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is related to the applications of Gauss's law. लेकिन इससे पहले कि मैं Gauss's law में enter हूँ, उससे पहले उन applications के अंदर जो आने वाली problems हैं, उसको हम discuss कर लेते हैं. These problems are related to the mathematical steps. तो वो problems कहाँ हमें आती हैं? क्योंकि हमारे पास बच्चों बहुत different तरह की surfaces होंगी. हो सकता है कोई empty shell हो सकता है कोई sphere हो सकता है कोई इनफाइनाइट शीट हो सकता है चार्ज पैरेलल प्लेट्स हो. अब तमाम तर जो सरफेसेस हैं या तमाम तर जो हम एप्लीकेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं, उनको दिए जाने वाली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट हो सकती है. अब डिफरेंट से क्या मुराद है? हो सकता है कि मैं समटाइम्स हो सकता है कि मैं चार्ज प्रोवाइड करता हूँ ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए वायर. वो एक स्ट्रेट चीज हो सकती है, वो वन डायमेंशनल हो सकती है जिससे मैं चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूं. और वन डायमेंशनल से मुराद जो जिसे मैं वन डायमेंशनल कंसीडर करता हूं, लाइक ए वायर, स्ट्रेट चीज है. बाजूकत ऐसे भी हो सकता है कि वो टू डायमेंशनल होगी मेरे रेफरेंस से, एंड दैट इज द शीट पेपर कंडक्टिंग शीट. ठीक है, कोई भी हमारे पास जो सर्फेस है उस पर आने वाले जो चार्ज हैं वो टू डायमेंशनल सर्फेस पे होंगे, और उसके लिए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई और इस्तेमाल करेंगे. सिमिलरली मेरे पास कोई सफियर हो सकता है. अब सफियर में दिए जाने वाले जो चार्जेस हैं, उन चार्जेस की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगी, और डिफरेंट रेफरेंस से मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे. अब वहां पर जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेप्स क्यों करते हैं, और ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये आती कहां से. सो एप्लीकेशंस में जाने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा रिलेटेड टू दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम अपने कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस से बात करें, अपने डायमेंशन से बात करें, तो हमारे पास तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. नंबर वन इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं यहां पर बात कर चुका हूं, व्हेन एवर वी कंसीडर ए स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, और वी कंसीडर एनीथिंग विच occupy a single dimension or exist in one dimension, जो मेरे reference से one dimension हो, like यहाँ पर मैं एक straight wire ही show कर रहा हूँ, कोई भी example हो सकती है. जब भी कभी मैं ऐसे charge distribution दूंगा, ये uniform charge distribution जो मैंने इस straight line को दी है, straight wire को दी है, that charge distribution is known as linear charge distribution. और linear charge distribution पे आने वाले जो charges हैं, जो distribution की है, उसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, दैट सिंबल इज म्यू. अब म्यू क्या है? म्यू को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, जिसका हमने यहां पर जिक्र किया है, या जो हम ऑब्जेक्ट अपनी एप्लीकेशन में कंसिडर करेंगे. नाउ इसके बाद हमारे पास है सेकेंड, दैट इज द सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है? सेकेंड इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज है जो पेपर की तरह है, टू डायमेंशनल है, कोई कंडक्टिंग शीट है, और समटाइम्स हम फाइनाइट शीट भी कंसिडर करते हैं, समटाइम हम इनफाइनाइट शीट भी कंसिडर करते हैं, और शीट किसी भी तरह की हो सकती है जो हमारे पास टू डायमेंशनल कंसिडर की जाती है. और मैं यहां इनके साथ डायमेंशंस का भी जिक्र कर देता हूं, इसे हम कंसीडर करते हैं वन डायमेंशनल. मैं इसी तरह एक शीट का जिक्र कर रहा हूं जो हमारी एप्लीकेशंस में भी आएगी, एंड द शीट इज, ये मेरे पास एक शीट है. अगर आप स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे तो इसका मतलब है ये फाइनाइट शीट है, और अगर आप इसको ऊपर से zigzag कर दें या कर्व शो कर दें, इसका मतलब यह है ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है जिसका एंड नहीं हो रहा, जो ऊपर और नीचे से इन्फिनिटिसिमल हाइट रखती है, या इन्फिनिटिसिमली वो आगे कंटिन्यू कर रही है. सो इसको जो भी चार्ज दिया जाएगा, मैं पॉजिटिव चार्ज ही कंसीडर कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स. तो बच्चों ये जो चार्ज हमने दिया है, ये चार्ज हम कहते हैं कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या यूनिफॉर्म सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इस पर जो चार्ज है, इसके लिए हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, या जो हम फॉर्मूला लिखेंगे फॉर सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सिंबल है सिग्मा. ये कैसे लिखा है फिर से देख ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. इसे कहते हैं बच्चों सिग्मा, एंड सिग्मा इक्वल्स टू
total number of charges which is given to that surface divided by the area of that surface. तो ये हमारे पास कहलाती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हम इसको सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं टू डायमेंशनल. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो तीसरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो मैं इसी को यहीं पर चेंज कर रहा हूं, और वो तीसरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हो सकती है, थर्ड इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब वॉल्यूम क्या हो सकता है, हम एक वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, इसका सेंटर ओ दिखाया, और इस पूरे के पूरे स्फीयर को मैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूं. मुमकिन है कि ये चार्ज कहीं स्फीयर के अंदर भी मौजूद हो, क्योंकि मैंने हॉलो स्फीयर का जिक्र नहीं किया. मुमकिन है कि ये फील्ड कंडक्टिंग स्फीयर हो. अब इस स्फीयर के अंदर जो भी चार्ज मौजूद है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब भी कभी हम गॉसियस लॉ में बेटा जिक्र करेंगे, इसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे रो. आपने ये सिंबल कई बार पहले पढ़ा, रो, आर एच ओ, जो नाइन्थ क्लास में अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो वहां पर डेंसिटी के लिए इस्तेमाल हुआ था. और ये सिंबल अपनी नेचर बदलते हैं हर एक टॉपिक के साथ, डिफरेंटली हम इनको रिलेट करते हैं. सो यहां पर ये कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर. जिस स्फीयर का वॉल्यूम यहां पर गिवन है, या जो आप वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, उस वॉल्यूम से टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को डिवाइड कर देना है. ये तीन एक्सप्रेशन आपको आपकी गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन में बार बार इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे. तो यहां पर मैं बात रोक रहा हूं, इससे पहले कि हम एप्लीकेशंस को स्टार्ट करें, इन तीन डिस्ट्रीब्यूशंस को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड वो एमसीक्यू भी पूछता है, सवाल भी आते हैं. अच्छा, एक बार फिर से सुन ले बच्चों, पहले नंबर पे हमने डिस्कस की लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हमने कहा वन डायमेंशनल, और उसमें आने वाले जो चार्ज की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको रिप्रेजेंट किया हुए सिंबल म्यू. फिर हमने बात की सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने कहा टू डायमेंशनल है, और उसमें आने वाली जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको रिप्रेजेंट किया विद ए सिंबल नोन एज सिग्मा. उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने नाम दिया थ्री डायमेंशनल. ये थ्री डायमेंशनल कंसिडर की जाती है, और इसमें दिए जाने वाले जो चार्जेस हैं, उन चार्जेस की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है विद ए सिंबल नोन एज रो. ठीक है, और एक्सप्रेशन सबके याद कर लें. वन डायमेंशन में हमने डिवाइड किया था लेंथ के साथ, टू डायमेंशन में हमने फॉर्मूला को चार्ज को डिवाइड किया था एरिया के साथ, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज को डिवाइड कर दिया हमने वॉल्यूम के साथ. तीनों एक्सप्रेशन एक बार फिर से लिख रहा हूं, म्यू इक्वल्स टू क्यू ओवर लेंथ फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद सिग्मा इक्वल्स टू क्यू ओवर एरिया इज फॉर द सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर वॉल्यूम इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपको एक सफियत एग्जाम्पल से बताया गया है. इसके बाद इंशाल्लाह हम साथ ही गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन पे बात करेंगे, और आपको फील होगा कि ये जो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दिए हैं, ये सिंबल्स आपको वहां नजर आएंगे, जिनसे उम्मीद है कि जो प्रॉब्लम आपको दरकार हो सकती थी इंशाल्लाह अब नहीं होंगी. सो मुझे एप्लीकेशन में जाने से पहले नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.